बेबी है इसमें। ओके okay. एक बेबी जो है बच्ची है छोटी सी, दूसरी बेबी बहुत सेक्सी है। तो ये अक्षय साहब बताएंगे अभी इसमें कि हुम डज ही प्रेफर। ओके बेबी जी, ऐसा है कि बेबी जो है मैं भी पहले हैरान था जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इसका टाइटल बेबी क्यों है। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सस्पेंस खुला कि इसका बेबी टाइटल क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, और इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। वैसे वो कारण आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो कहीं ना कहीं जरूर नजर आया होगा, लेकिन फिर भी आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टाइटल क्यों है ये आपको फिल्म देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका टाइटल बेबी क्यों होना चाहिए। बहुत ही एक थ्रिलर फिल्म है, बहुत इसके अंदर एक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी जो कहानियां आप देखेंगे इसके अंदर एक असल जिंदगी से मिलती जुलती कई चीजें हैं जो निकाल के इसको पिरोई गई है। और बस इसके बारे में ज्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाता हूं क्योंकि मजा निकल जाएगा, क्योंकि इसका टाइटल बेबी क्यों है वो आपको फिल्म देख के ही ज्यादा करके पता चलेगा। बहुत बहुत नीरज जी, दूसरी फिल्म है अक्षय के साथ और स्पेशल 26 के बाद आई थिंक उसी टोन में उसी मूड में है पूरी फिल्म। नहीं, दैट वाज बेस्ड इन 1987 एंड दिस वन बेस्ड इन करंट टाइम्स 2015-14-15, सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड द जॉनर इज कंप्लीटली डिफरेंट। दिस इज फार मोर in the action genre, it's a thriller. वो चोर बजारी वाले के लोगों के थी और ये चोर जो होते हैं उनको पकड़ने वालों की है कहानी, उस फर्क इतना ही है। हाँ सर, questions? वार्म अप के लिए मैंने दो क्वेश्चन इसलिए पूछे। हाँ नीरज पांडे एंड अक्षय कुमार से है। लोग कहते हैं आज हर चीज में पॉलिटिक्स घुस गई है, तो क्या इस फिल्म की मेकिंग के दौरान भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? बेटे ये कोई पॉलिटिशियन ने फिल्म नहीं बनाई है, ये हम लोगों ने बनाई है, तो इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, इसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं थी। नहीं मतलब कश्मीर पे बनी है तो इसके लिए? नहीं नहीं, कश्मीर पे देखिए ये आपने पूछा कि इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स घुस गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ फिल्म जो है वो काफी कुछ जैसा आपने मुद्दा कहा उस मुद्दे पर भी है, बहुत सारे और मुद्दे पर भी है, और जो मैंने आपको पहले भी कहा था ये असल कहानी के ऊपर आधारित है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग किस्म की कहानियां ले लू के इसको बनाई गई।
और बस यही है, तो इसके अंदर लेकिन कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। अक्षय जी, हालांकि इनका स्टाइल अलग है, लेकिन ये फिल्म हॉलीडे से कितनी डिफरेंट है? जी बहुत अलग है। उसके अंदर मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले करता था करता हूँ, और इसके अंदर इट्स बेसिकली आई वुड से आई एम अ व्हाट वुड यू अबाउट कॉल ब्लैक कॉप। ओके, सो ही वुड से कॉल इट एज अ ब्लैक कॉप बिकॉज बेसिकली प्लेइंग अ कवर्ट इंटेलिजेंस ब्लैक कॉप पर्सन, एंड एवरी फिल्म इज बाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन अ जेनेरिक सेंस। सो आई मीन इट डजंट have to be that we have to try very hard to make it different. आपने देखा ट्रेलर, I think it looks very different from the film. अक्षय साहब इधर आप जी, दो सवाल आपसे पूछूंगा, एक सवाल डैनी साहब से पूछूंगा। पहला सवाल ये कि फिल्म के आखिर में, ट्रेलर के आखिर में हम ये देखते हैं कि आप लगातार मुक्के जो है वो मारते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा एक मैसेज फिल्म के इस ट्रेलर के बिल्कुल आखिर में है, उस मैसेज को थोड़ा सा रिवील करते हैं। जो बात कोई ऐसा नहीं मानता है, बातों के भूत लातों से मानते हैं, और बस यही मैसेज है। कोई माने नहीं तो घूसे मार मार के उससे बातें निकलवाओ, लाते मारो, क्योंकि यही ऐसा ही है आजकल, थोड़ा बहुत ऐसा बहुत करना पड़ता है कि चीजें निकालने के लिए, बस ये मैसेज, यही मैसेज है। आपने फिर शुरू कर दिया। आपको मैंने कितनी बार मना किया, जो पूछना आप अकेले पूछ लेना, आपके अलग अलग चीजें रहती हैं, इनके प्रश्न कमाल के होते हैं। अब पहले मैं खत्म कर देता हूं उनका। क्या ये मैसेज नहीं है कि देश के जो दुश्मन हैं उनको तब तक जो है वो थ्रैश करते रहा जाएगा जब तक वो देश के दुश्मन बने रहेंगे? सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? देश के जो दुश्मन है जो आतंकवाद को फैला रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो एंटी नेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको तब तक देश का जो सिस्टम है वो तब तक घूसे मारता रहेगा जब तक वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते? हाँ, तब तक वैसे ही रहेगा ना, मतलब अब मैं इसमें क्या कहूँ। अगर आप रिलेंटलेसनेस की बात कह रहे हैं तो देन यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इट इज अबाउट पीपल हु आर नॉट गोइंग टू स्टॉप टिल द टाइम दैट दे मैनेज टू सेव व्हाट दे हैव सेट आउट टू डू। डैनी साहब आपसे एक सवाल, आप काफी चुनिंदा फिल्में करते हैं जी। फिल्में जो हैं आपकी काफी सेलेक्टिव आप फिल्में करते हैं, ये खास तौर पे फिल्म आपने क्यों चुनी? ये आई हैड सीन वेंसडे, तो मुझे इनका काम बहुत पसंद आया था, और जैसे ये ऑफर आया आई वांटेड टू रीड द स्क्रिप्ट एंड आई लव द स्क्रिप्ट, और इसमें जो पार्ट मुझे दिया गया है वो भी काफी अच्छा खासा है, सो आई लव्ड इट, दैट वाज द रीजन। इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच। अक्षय साहब एक सवाल, थोड़ा सा फिल्म से हटके हैं, आपके दोस्त से जुड़ी हुई है, हनी सिंह के साथ आपका काफी ज्यादा रابطہ रहा है, कहाँ है वो आजकल? कुछ आपसे रابطہ है, कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि काफी दिनों से वो सीन में नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नीरज, श्वेता बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से, आपके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। आपसे जानना चाहूंगा कि इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है, वो किस पर्पस के लिए आपने ये फिल्म बनाई? वेल, देयर वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू बी टोल्ड, एंड उसके अलावा और कोई पर्पस होता नहीं है फॉर अ स्टोरी टेलर, दैट कि आप उस कहानी को बोलना चाहते हैं, एंड इट सीम्ड लाइक अ फैंटास्टिक आइडिया, लाइक अ फेयरली डूएबल स्क्रिप्ट, सो वी went ahead and did the film. और क्या हम जो my previous films, there was nothing extra to it. क्या हम वो जो कहानी देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी अक्षय जी ने कहा कि बहुत सारी फिल्में रियलिटी से बहुत सारी अलग अलग चीजें ली गई हैं और उसके बाद ये कहानी बनाई गई, तो जो कहानी अगर हम दाऊद को देख रहे थे, या अगर हमने मसूद अजहर को देखा है, या जकीरुर रहमान लखवी को हमने देखा है, उनके बारे में सुना है, तो ये कहानी सबका मिश्रण लेके कोई कहानी बनी है या ये किसी ये आप तय करेंगे देखने के बाद? We wanted to tell a story, we have told a story, but this is something for you to decide what it is all about and to put the pieces together. अच्छे, आपसे एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एंटी आपकी हॉलीडे फिल्म आई थी जो लोगों को सेना के बारे में थी, और हाल फिलहाल में रियलिटी में आईएसआईएस का बहुत सारा आकर्षण देखने को मिला है, और कुछ भारतीय लड़के भी वहां गए थे,